ओम शांति। आज 4 तारीख सतगुरुवार की बाबा की मुरली है। आज बाबा ने कहा, भक्ति में भी एक बहुत सुंदर गीत बना हुआ है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। तो शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहा जाता है? तो 2-3 बातें बाबा ने आज की मुरली में समझाई है, भोलानाथ क्यों कहते हैं। अच्छा, सब पढ़ के आए, सुन के आए। अच्छा, तो आज की बाबा की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ये कयामत का समय है। कयामत माने विनाश का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने के लिए। जैसे हमारे मुस्लिम भाई भी मानते हैं कि कयामत का दिन आएगा और खुदा आकर के कब्र से निकाल के सबको ले जाएगा, तो वास्तव में सारी दुनिया ही अभी कब्र दाखिल है, सब मरे हुए हैं। जीवन में कोई खुशी नहीं, कोई उमंग उत्साह नहीं, तो बाबा आकर के ज्ञान अमृत की वर्षा करके हम सबको कब्रों से निकाल कर, मतलब दुख शांति की दुनिया से, समस्याओं की दुनिया से निकाल कर ले जाते हैं। प्रश्न है, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण करके उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। बाबा आकर कितनी भी पतित आत्माएं हैं, गिरी हुई आत्माएं जिनके ऊपर किसी की नज़र नहीं पड़ी, बाबा ऐसी आत्माओं का भी कल्याण करके उनको कितना ऊंचा बना देते। तो एक बात ये बाबा ने बताई, भोलानाथ क्यों है। दूसरा, आते भी पतित दुनिया और पतित शरीर में है, भोला हुआ ना, भोलेनाथ बाप का डायरेक्शन है। मीठे बच्चे, अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। तो इसलिए वो कितना भोला है और सौदागर है, लेता क्या है और देता क्या है। कखपन लेकर के हमें विश्व की बादशाही देता, विषय विकार लेता और उसके रिटर्न में हमें बादशाही देता। तो बाबा कहते क्या करो, अमृत पियो और विकारों रूपी विष को छोड़ दो, वो मुझे दे दो। इसलिए कहते हैं ना, शिव ने विषपान किया, इसलिए नीलकंठ कहते हैं। शिव शंकर भक्ति मार्ग में तो दोनों को मिला दिया ना। तो आज की मुरली में गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान कर्म इंद्रियों द्वारा गीत सुना। किसने सुना? सुना तो रूह ने, लेकिन सुनने के लिए आधार चाहिए ना, तो कर्म इंद्री रूप, कान रूपी कर्म इंद्री से सुना। दूर देश के मुसाफिर आते हैं, तुम भी मुसाफिर हो ना, हम भी मुसाफिर हैं ना सभी, इसलिए गाते हैं दुनिया मुसाफिर खाना है, हम सबको वापस जाना है, कहते हैं ना, चिड़िया रैन बसेरा है, ना ये घर तेरा है, ना ये घर मेरा है, मुसाफिर खाना है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब मुसाफिर हैं, आत्माओं का कोई भी घर नहीं है, ये आत्माओं का घर नहीं है। आत्मा है निराकार, तो निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं, यहाँ ये आत्मा का घर नहीं है, ये तो जीवात्मा का घर हो गया। आत्मा का घर कौन सा है? निराकारी दुनिया में आत्मा निराकारी रहती है, उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर। आत्मा का घर कौन सा है? परमधाम,
है ना, यहाँ ये इतने सारे जो हमारे घर हैं, ये कौन सा है, जीव आत्माओं का घर है। देश व लोक, इनको जीव आत्माओं का देश कहा जाता है। ये जो देश है जहाँ भी हम बैठे हैं, साकार लोक, ये जीव आत्माओं का है, और वो है आत्माओं का देश। तो दूर देश का रहने वाला, कौन से देश से आया है, कितना दूर है परम धाम, तो वो है आत्माओं का देश। फिर आत्मा यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करती हैं तो निराकार से साकार बन जाती हैं। ऐसी नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी जरूर है और नाम भी है। आत्मा का रूप क्या है, ज्योति बिंदु स्वरूप। इतनी छोटी आत्मा कितना पाठ बजाती शरीर के द्वारा, हर एक आत्मा में पाठ बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है ना, 84 का, 80 जन्म का, 50 जन्म का, कितना सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है ना। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बाबा कहते मेरे बच्चों में भरा हुआ है, क्योंकि हम शुरू से लेकर, सच्चुक से लेकर पाठ बजाते हैं। तो हर एक आत्मा में पाठ भरा हुआ है, रिकॉर्ड एक बार भर जाता फिर कितनी बार भी रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा भी शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, जिसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। जैसे बाप निराकार है वैसे आत्मा भी निराकार है। कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया कि वो नाम रूप से न्यारी है, परंतु नाम रूप से न्यारी तो कोई वस्तु होती भी नहीं। परमात्मा के लिए भी कह दिया है ना, बाबा कहते नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती ही, निराकार माना उसका कोई आकार नहीं, ऐसा नहीं है। नाम भी है, उसका रूप भी है, आकार है, लेकिन हमारे जैसा आकार नहीं है, है ना, कोई स्थूल आकार नहीं है। आकाश भी पोलार है, नाम तो है ना, बिगर नाम कोई चीज होती ही नहीं है, है ना। एक तरफ कह देते हैं परमात्मा का कोई नाम ही नहीं है, और एक तरफ कहते फिर प्रभु के नाम की इतनी महिमा है, गुरु नानक जी ने तो कहा प्रभु से ऊंचा प्रभु का नाम, और नानक नाम जहाज है, चरे चढ़े सो उतरे पार, ऐसे कहा ना वो, फिर इतनी नाम की महिमा करते, और दूसरी तरफ फिर कह देते हैं कि उसका कोई नाम ही नहीं है। मनुष्य कहते हैं परम पिता परमात्मा। अब दूर देश में से में तो सब आत्माएं रहती हैं, ये साकार देश है, इसमें दो का राज्य चलता है। ये साकार देश में ना, इस वतन में दो का राज्य चलता है। दो कौन, राम राज्य और रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य आधा कल्प है रावण राज्य। बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़े बनाएंगे। कहते हैं ईश्वरी सुख दुख देता है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी अज्ञानता है। भक्ति में हम कह देते दुख सुख सब ईश्वर देता है, ईश्वर की मर्जी, ईश्वर दुख देता है क्या? लौकिक बाप भी अपने बच्चों को दुख नहीं देता, तो दुख सुखदाता बाप, दुख हरता बाप जिसकी महिमा गाते, वो कैसे बच्चों को दुख देगा? तो बाप समझाते मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूँ। तो दुख कौन देता है फिर, है ना, दुख हमारे कर्मों का फल है। जब हम श्रेष्ठ कर्म नहीं करते हैं, विकारों के वशीभूत होकर के कर्म करते, तो उसका फल हमको दुख के रूप में मिलता है। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता, ये मनुष्यों की भूल है। कौन सी भूल है मनुष्यों की, हाँ दुख हर, जो उसको कह देते दुख भी वही देता है, सुख भी वही देता है। ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुख धाम, आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही दुख मिलता, सुख की रत्ती भी नहीं। सुख धाम में फिर दुख ही नहीं होता, अभी दुख, अभी सुख की रत्ती नहीं है, और सत्युग में फिर दुख नहीं होता। बाप स्वर्ग की रचना करते, अभी तुम संगम पर हो, इनको नई दुनिया तो कोई नहीं कहेंगे, आज की दुनिया को कहेगा है कोई सुख देने वाली दुनिया, नई दुनिया, नई दुनिया का नाम है सतयुग, वही फिर पुरानी होती है, तो उनको कलयुग कहा जाता है। नई चीज़ अच्छी, पुरानी चीज़ खराब दिखाई देती है, तो पुरानी चीज़ को खलास किया जाता है। मनुष्य विष को ही सुख समझ लेते हैं, विकारों के सुख को ही सच्चा सुख समझ लेते, गाया भी जाता
अमृत छोड़ विष काहे को खाए, है ना। ये किसमें वर्णन आता, गुरुवाणी में आता है। फिर कहते चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला, ये भी गुरुवाणी में आता है। हमारी चढ़ती कला होती है सबका भला हो जाता है, सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। ये तो बच्चों को पता पड़ा है कि गुरु नानक को कितने वर्ष हुए, 500 वर्ष हुए हैं। फिर कब आएंगे, फिर कब आएंगे, उनसे पूछो तो वो तो कहेंगे ज्योति ज्योत में समा गए। और हम कहेंगे फिर अपने समय पर गुरु नानक जी आकर अपने धर्म की स्थापना करेंगे, तो कहेंगे उनकी आत्मा तो ज्योति ज्योत समा गई। आएंगे फिर कैसे, तुम कहेंगे आज से 4,500 वर्ष बाद फिर गुरु नानक जी आएंगे। ठीक है, 5,000 में से 500 वर्ष माइनस कर दो तो 4,500 वर्ष के बाद फिर आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्कर लगाती रहती है। इस समय सप्तमो प्रधान है, इसको कयामत का समय कहा जाता है। सभी मनुष्य जैसे कि मरे पड़े हैं, सबकी ज्योति उजाई हुई है। बाप आते हैं सबकी ज्योति जगाने। बच्चे जो काम चेता पर बैठकर भस्म हो गए हैं, उन्हों को अमृत वर्षा से जगाए साथ ले जाएंगे। जगाएगा कैसे बाबा, हमारे ऊपर अमृत वर्षा कर रहे हैं ना बाबा, बाबा की मुरली, बाबा की अमृत वर्षा है, तो उसे जागृत जाग करके ले जाते हैं। माया रावण ने कामचिता पर बिठाए, कब्र दाखिल कर दिए, सभी सो गए हैं। अब बाप ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अब ज्ञान अमृत कहाँ और वो पानी कहाँ, वो लोग पानी को ही वो समझ लेते हैं कि ये पानी पावन बनाएगा। सिख लोगों का बड़ा दिन होता तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते, मिट्टी निकालते, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर, अमृत का तालाब। तो वो पानी को ही अमृत समझते। गुरु नानक ने भी बाप की महिमा की है, क्या महिमा की है, खुद कहते एको अंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वय निराकारी निरंकारी अयोनि, बहुत अच्छी महिमा है। हाँ, तो वो इस योनि में नहीं आता है, जन्म मरण में नहीं आता है, वो सदैव सच बोलने वाला है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, होसी भी सच, ऐसे आगे आगे भी कुछ है। अमृत का तालाब, गुरु नानक ने भी बाप की महिमा की है ना। खुद कहते एक ओंकार सतनाम, वो सच बोलने वाला है, सत्यनारायण की कथा है ना। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए हैं, अमर कथा, तीजरी की कथा। कहते शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वो तो सूक्ष्म वतन में रहने वाले, वहां फिर कथा कौन सी सुनाई। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं कि वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाए, अमर लोक में ले जाने के लिए आया हूँ। मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूँ। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उसको अमर कथा सुनाएगी। अमर कथा बाबा हमको सुनाते, क्योंकि हम पतित बन गए हैं तो पावन बनाते बाबा अमर कथा सुनाकर। शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी हैं, सत्यनारायण की सच्ची कथा तो है नहीं। ठीक है, तो वही बाबा भी सुना रहा है, ये सत्यनारायण की कथा, हम ही पार्वतियाँ हैं, सत्यनारायण की कथा तो है नहीं। तुमने कितनी सत्यनारायण की कथा सुनी होगी, है ना। हर पूनम पर पूर्णमासी के दिन व्रत भी करते, कथा भी सुनते। अब कथा उसमें नहीं है, केवल उसमें महात्म में है ना, लीलावती कलावती की कहानी आती है, बाकी उसमें कोई है नहीं, कहा वो नहीं, ज्ञान नहीं है उसमें। फिर सत्यनारायण कोई बनते हैं क्या, बनते हैं क्या, और ही गिरते जाते। अभी तुम समझते हो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। ये है अमर लोक में जाने के लिए सच्ची सत्यनारायण की कथा। तीजरी की कथा, तुम आत्माओं को
सत्यनारायण की कथा, अमर कथा और तीजरी की कथा है ना, तीसरा नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो तीजरी की कथा है। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, बाप समझाते हैं, तुम ही गुलगुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो, इसलिए गाया हुआ है आप पे ही पूजे आप पे ही पुजारी। हम ही पूजनीय थे फिर हमें पुजारी बने, बाप कहते मैं तो सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ, ये है पतित दुनिया। सतयुग में पूज्य पावन मनुष्य, इस समय है पुजारी पतित मनुष्य। साधु संत गाते रहते पतित पावन सीताराम, ये अक्षर है राइट। सीताराम कौन है, राम कौन है, शिव बाबा। हम सब आत्माएं सीताएं हैं और वो परमात्मा राम हैं। सब सीताएं ब्राइड्स हैं, सभी आत्माएं ब्राइड्स मतलब सजनियां हैं और वो हम सबका राम है। कौन कौन राम, निराकार परमात्मा राम है ना। चार राम का वर्णन आता है ना शास्त्रों में, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट लेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम जो जग से न्यारा, तो निराकार राम। तो बाबा कहते वो मैं हूँ, सब सीताएं ब्राइड्स हैं, कहते हे राम आकर हमको पावन बनाओ। कौन सा राम, निराकार राम। सब भक्तियां पुकारती हैं, आत्मा पुकारती है हे राम। गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे तो कहते थे पतित पावन सीताराम। अभी तुम जानते हो गीता कोई कृष्ण कृष्ण ने सुनाई, बाबा कहते ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान शिव है न कि श्री कृष्ण, है ना। प्रदर्शनी समझाते थे ना पहले, तो बाबा कहते उन सबसे ओपिनियन लो, जो भी हमने समझाया वो आपको समझ में आया कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान निराकार शिव है। पहले तो पूछो गीता का भगवान किसको कहते, भगवान निराकार को कहेंगे या साकार को कहेंगे, पहले तो ये सिद्ध करो कि भगवान किसको कहेंगे। कोई भी साकार मन देहधारी को तो भगवान कह नहीं सकते, भगवान किसको कहेंगे, जो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, जो पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आता है। तो बाबा कहते भगवान किसको कहा जाता है, जो सर्व मान्यता प्राप्त है, जो सर्वोच्च सत्ता है। नहीं, 5-6 बातें बताते हैं ना हम लोग जब शिविर कराते हैं या कोर्स कराते हैं, तो परमात्मा की डेफिनेशन में ये 5-6 बातें बताते हैं, अजन्मा, अकर्ता, भोक्ता, सर्वमान्यता प्राप्त, सर्वोच्च सत्ता, सर्वज्ञता, ये सारी विशेषताएं जिसके अंदर होंगी उसको भगवान कहेंगे ना। तो श्री कृष्ण तो साकार देहधारी है, उनके तो माता पिता भी दिखाते हैं। तो पहले ये बताओ, भगवान निराकार को कहेंगे या साकार को। श्री कृष्ण तो साकार है, शिव है निराकार, वो सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। शिव को शरीर है ही नहीं, यहाँ इस मनुष्य लोक में स्थूल शरीर है। तो बाप आकर सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं, बाप की महिमा है, पतित पावन सबका सदगति दाता, सबका लिब्रेटर, दुख हरता सुख करता, ये बाबा की महिमा। अच्छा सुख कहाँ होता, यहाँ तो हो नहीं सकता, सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब पुरानी दुनिया खत्म हो, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी, अभी नहीं, अभी सुख नहीं है। अच्छा लिब्रेट किससे करते, उसको लिब्रेटर भी कहते हैं, लिब्रेट किससे करते, बाप आकर रावण के दुख से लिब्रेट करते ना, विकार छोड़, विकारों से लिब्रेट करता है तो दुख से लिब्रेट हो जाते हैं, क्योंकि विकारों के कारण ही दुख मिला, ये तो दुख धाम है ना। अच्छा फिर गाइड भी बनते हैं, ये शरीर तो यहाँ खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं, पहले साजन फिर सजनी जाती है, वो है अविनाशी सलोना साजन, सबको दुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए, घर ले जाते। शादी कर जब जाते हैं तो पहले घोट होता है, घोट में ना, ये सिंधी शब्द है,
दूल्हा पति है ना, घोट, पीछे ब्राइड रहती है, पहले ब्राइड ग्रूम, आगे पहले दूल्हा होता है, पति होता, पीछे पीछे दुल्हन होती है, सजनी होती है। तो पहले बाबा, बाबा के पीछे हम सब आत्माएं सजनियां, पिछाड़ी में ब्राइड रहती है, फिर बारात होती है। अब तुम्हारी माला भी ऐसे ही है, ऊपर में फूल श्री बाबा उसे नमस्कार करेंगे, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। अब बाबा माला का रहस्य बता रहे, फूल है श्री बाबा, उसके नीचे दो जुड़े हुए मणके होते हैं ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम, फिर है 108 की माला, 16108 के दाने, फिर 9 लाख, फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बनते हो। तो माला किसकी यादगार है? हम बच्चों की यादगार है। फूल शिव बाबा की याद से सूर्यवंशी विष्णु की माला बने हो, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती पुरुषार्थ करके संगम युग पे लक्ष्मी नारायण बनते हो, लक्ष्मी नारायण फिर पुनर्जन्म लेते, नीचे उतरते ब्रह्मा सरस्वती बनते। इन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं। लक्ष्मी नारायण की इतनी पूजा क्यों होती है? ब्रह्मा सरस्वती के रूप में उन्होंने इतनी मेहनत की है ना, कोई को पता नहीं है माला क्या चीज़ है, ऐसी माला फिरते रहते हैं। 16108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी होती है, फिर कोई कहाँ से, कोई कहाँ से वो लेकर के वो जपते रहते हैं, खींचते हैं उसको, ऐसी बड़ी बड़ी माला भी होती है। बॉम्बे, बाबा बॉम्बे का बता रहे, बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे। ब्रह्मा बाबा भी करते थे ये सब, पता नहीं था ना, ज्ञान नहीं था उस समय, क्योंकि फूल एक ही बाप है ना, फूल को ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर माथा टेकते माला फेर के आते हैं ना, सबने किए ना, माला फेरी होगी, फिर उसको माला का चक्कर जब पूरा हो जाता है, फिर फूल जब आता है हाथ में, फिर उसको माथा टेकते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं, अब ज्ञान मिल गया, रहस्य बाबा ने समझा दिया। पादरी भी हाथ में माला फेरते रहते, पूछो किसकी माला फेरते हो? पता नहीं है, है ना, हर धर्म में माला है, सिख धर्म में भी है तो क्रिश्चियंस में भी है, उनको पता नहीं, कह देंगे क्राइस्ट की याद में फिरते, उनको ये पता नहीं है कि क्राइस्ट की खुद आत्मा कहाँ है, कहाँ है क्राइस्ट की आत्मा? तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा अब तमो प्रधान है, तुम भी तमो प्रधान बैगर थे, अब तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो, भारत प्रिंस था भी बैगर है, फिर प्रिंस बनते, बनाने वाला बाप है, तुम मनुष्य से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस कॉलेज भी था जहाँ प्रिंस प्रिंसेस जा करके पढ़ते थे। तो बाबा कहते ऐसे सतयुग में भी प्रिंस प्रिंसेस पढ़ेंगे ना, जो कलयुग के, द्वापर कलयुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं, तो बाबा कहते वो भी जाके पढ़ते हैं, ऐसे तुम भी पढ़ेंगे, तो लौकिक पढ़ाई तो होगी ना सतयुग में भी, तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। ये श्री कृष्ण प्रिंस है ना, उनके 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है, मनुष्य क्या जाने, ये बातें सिर्फ तुम जानते हो, भगवान वाच्य वो सबका फादर है, तुम गॉड फादर से सुनते हो, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उसे कहा ही जाता है सच खंड, ये है झूठ खंड। सच खंड तो बाप स्थापन करेंगे, और झूठ खंड, झूठ खंड रावण स्थापन करते, रावण का रूप बनाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते, किसको पता ही नहीं है कि आखिर इन भी रावण है कौन, है कौन, कोई राक्षस था, कोई दसिर वाला व्यक्ति था, क्या था, कौन है जिसको मारते हैं फिर जिंदा हो जाता है, ऐसा क्या है रावण, क्या अर्थ कुछ नहीं समझते, किसको भी पता नहीं है कि आखिर इन भी रावण है कौन जिसको मारते फिर जिंदा हो जाता है। वास्तव में पांच विकार, रावण किसको कहते, पांच विकार स्त्री के,
पांच विकार पुरुष के, इनको कहा जाता है रावण। रावण कौन? विकारों का प्रतीक है रावण। उनको मारते हैं, रावण को मार करके फिर सोना लूटते हैं। कहते ना लंका सोने की थी, तो एक पेड़ जिसमें गोल्डन गोल्डन कलर के कुछ फूल होते तो उसको लूटते हैं और खुश होते हैं, हमने लंका लूटी। तुम बच्चे जानते हो ये सारी दुनिया है क्या बन गई? सारी दुनिया है कांटों का जंगल। बॉम्बे में बबूल नाथ का भी मंदिर है, बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, सब एक दो को कांटा लगाते हैं अर्थात काम कटारी चलाते, इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। सत्यों को क्या कहेंगे? गार्डन ऑफ अल्लाह कहते। वही फ्लावर्स कांटे बनते, फिर कांटों से फूल बनते। हम ही फ्लावर थे, हम ही फूल थे, फिर विकारों में फंसे, कांटे बन गए, फिर कांटों से फूल बनते हैं। बाबा के कांटे से फूल बना रहे ना, अपना गीत है ना, चुन चुन के जग के कांटों को फूलों की माला बने। हम सब कांटे थे, एक दूसरे को दुख देते रहते थे, विकारों के वशीभूत हो के, कभी क्रोध के वशीभूत हो के, कभी ईर्ष्या के कारण, कभी काम वासना के कारण। अब एक बाबा के फूल बनाते, सबको सुख देने वाला बनाते हैं। अभी तुम पांच विकारों पर जीत पाते हो। इस रावण राज्य का विनाश तो होना ही है, आखिरी बड़ी लड़ाई भी होगी, सच्चा सच्चा दशहरा भी होना है। अभी सच्चा दशहरा नहीं हुआ है, अभी रावण राज्य खत्म तो नहीं हुआ ना, खत्म हो गया हा? अभी तो वो कागज का पुतला बना करके हर साल जला देते, समझते रावण दशहरा हो गया। अभी सच्चा दशहरा नहीं हुआ, सच्चा दशहरा तब होगा जब हम संपूर्ण विकारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हमारे सारा अंदर का ही विकारों रूपी रावण मर जाएगा, हम बिल्कुल पवित्र देवता बन जाएंगे, सतयुग में जाएंगे, तब दशहरा होगा, रावण राज्य खलास। फिर तुम लंका लूटेंगे, तुमको सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग के मालिक बनते हो। पाई नहीं है जीत, अभी पा रहे हो, है ना, इसलिए बाबा कहते हैं रावण मरा नहीं है, अभी मरेगा, अभी दशहरा होगा तुम्हारा। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं, इसलिए इनको शिव भोलानाथ भंडारी कहते हैं। भोलानाथ है ना, लेता क्या देता क्या है, इसलिए उसको भोला भंडारी कहते। अहिल्याएं गणिकाएं अहिल्याएं कुब्जाएं सबको बाप विश्व का मालिक बनाते, कितना भोला है, कितना भोला है। सस्ता सौदा करने वाले को भोला कहेंगे ना। आते भी हैं पतित दुनिया पतित शरीर में, इसलिए भोला है। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है वो विष पीना छोड़ते ही नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म, तुम पावन बनो, ये विकार तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम इस एक जन्म के लिए विष पीना नहीं छोड़ सकते हो? क्वेश्चन मार्क है मुरली। मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं तो क्या तुम इतना विकारों को इस अंतिम जन्म में, उसमें भी कितना जीवन तो विकारों में चला गया, थोड़ा सा तो समय शेष रहा है, तुम इस विष को विकार को नहीं छोड़ सकते हो? तो क्या कहेंगे हम बच्चे? क्यों नहीं बाबा, हाँ जरूर छोड़ेंगे, हम जरूर विश्व के मालिक बनेंगे, आपकी आज्ञा हमारे सिर माथे। इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो कौन नहीं करेगा ये पुरुषार्थ। मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो, विष बिगर सिगरेट शराब के बिगर रह नहीं सकते हो। बाबा क्वेश्चन पूछ रहे, मैं इतनी तुम्हें ऊंची प्राप्ति कराता हूं, है ना, तभी इसलिए पहले भी पेज में बाबा ने कहा अमृत छोड़ विष काहे को खाए, क्यों बीड़ी सिगरेट शराब व्यसनों में फंसते हो। मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूं, कौन कह रहा है सोचो, मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूं बच्चे, इस एक जन्म के लिए पावन बनो
तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना ये बाप का ही काम है। बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिब्रेट कर सुख धाम शांति धाम ले जाने के लिए। अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परमपिता परमात्मा को अकाल मूरत कहते हैं क्योंकि उनको काल नहीं खाता है। बाप है महाकाल, कालों का काल। शिव का एक नाम क्या है? महाकालेश्वर। उज्जैन में मंदिर महाकालेश्वर। अब क्यों कहते उसको महाकालेश्वर? वो काल तो एक दो को ले जाएंगे, मैं तो सभी आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए मुझे महाकाल कहते। मैं आया ही हूं सबको ले जाने के लिए। बाप आकर तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग, अमृत पीना और पिलाना है। इस अंतिम जन्म में विष को त्याग, अमृत पीना और पिलाना है। पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरे पॉइंट, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। पूरा पूरा मददगार बन, बाप समान दुख हरता बनना है। बाबा का पूरा पूरा मददगार बन, बाप समान दुख हरता बनना है। आज का वरदान है। खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। कौन सा पाठ पक्का करना है? ये निश्चय। बाबा निश्चय के चार पिलर बताते हैं ना, बाबा में निश्चय, अपने आप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परिवार में निश्चय, है ना। तो ड्रामा की ढाल को सामने रखो, तो ड्रामा की ढाल को सामने रख। ढाल समझते हैं? ढाल किसको कहते हैं? पहले जमाने में जब तलवार से और उससे युद्ध करते थे तो हाँ वो ढाल होती ना, सामने रख देते, उससे क्या होता है, वो बचाव हो जाता है। तो ड्रामा की को बाबा कहते हैं ढाल है, योग कवच है, ड्रामा ढाल है। तो ड्रामा की ढाल को सामने रख, कोई भी समस्या आती है, बात आती है, तो फिर हम कहते हैं ड्रामा में ऐसा होना था, ऐसा सोचेंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। खुशी रूपी ड्रामा की ढाल को सामने रख, खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। कौन सा भोजन रोज खान? खुशी, खुशी जैसी खुराक नहीं। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। इसके लिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लगाओ, खुशी कायम रहे, जिससे ड्रामा की ढाल को यूज करो। यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते हैं, खुशी गायब हो नहीं सकती है, क्योंकि ये ड्रामा
कल्याणकारी है। इसलिए अकल्याणकारी दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है, अकल्याणकारी दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है। ऐसा समझकर सदा खुश रहेंगे। स्लोगन है पर चिंतन, पर दर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। पर चिंतन पर दर्शन, ना दूसरों का चिंतन करो ना दूसरों के अवगुणों को देखो, दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं।
जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पल की बिछाई, बैठे हैं हम पल की बिछाई, दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन तेरी याद में
जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।